लिम्पियाधुरा लिपुलेख और कालापानी को लेकर नेपाल और भारत के बीच में पिछले कुछ समय से जो तनाव चल रहा है उस पर अब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी टिप्पणी की है। किसी भी मुद्दे को लेकर अपनी बेबाक राय रखने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को लेकर विदेश नीति बदलने पर जोर दिया है। स्वामी ने मौजूदा केंद्र सरकार से कुछ सवाल किए हैं। पूछा है, भारतीय इलाकों के बारे में नेपाल कैसे सोच सकता है? उनकी भावनाओं को इस कदर चोट कैसे पहुंची कि वो भारत के साथ रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं? क्या ये हमारी विफलता नहीं है? विदेश नीति को फिर से स्थापित किए जाने की जरूरत है। और ये पहला मौका नहीं है जब नेपाल से खराब होते रिश्तों को लेकर बीजेपी नेता ने कुछ कहा हो। पिछले महीने ही स्वामी ने नेपालियों को अपना ब्लड ब्रदर्स बताया था। 29 मई को ट्वीट कर स्वामी ने पीएम मोदी को इस सिलसिले में सलाह दी थी। लिखा था, प्रधानमंत्री को अपने विदेश मंत्रालय के राजनयिकों से कहना चाहिए कि वो नेपाली समकक्षों से मीठी बोली बोलें। नेपाली हमारे खून के रिश्ते से छोटे भाई हैं। अगर नेपालियों को अलग थलग महसूस हो रहा है तो हमें मजबूत कंधों से इसे पहचानना चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। नेपाल के साथ भारत के रिश्तों को लेकर किसी ने भी कभी कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की। थल सेना अध्यक्ष के नरवणे ने भी अभी हाल ही में नेपाल के साथ मजबूत संबंध होने और आगे भी मजबूत बने रहने की बात कही थी। लेकिन अभी जो नेपाल का भारत के प्रति रवैया है वो पहले के मुकाबले काफी अलग है। संभव है कि भारत को भी अपने मिजाज में कुछ बदलाव करना पड़े, जैसा कि स्वामी ने कहा है। लेकिन चीन की बातों में आकर अगर नेपाल भारत के इलाकों के साथ छेड़खानी करेगा वो भारत को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिस पथ पर नेपाल चल पड़ा है, नेपाल के प्रतिनिधि सभा में भारत के उत्तराखंड राज्य के लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी जैसे इलाकों के साथ नेपाल का नया नक्शा 2/3 बहुमत के साथ पास हो गया है। हालांकि पीएम केपी शर्मा ओली के अपनी पार्टी के कुछ सांसदों ने इस प्रतिनिधि सभा का हिस्सा होने से इनकार कर दिया। वो भी इस मुद्दे से जुड़ा एक बड़ा झोल है जिसे समझा जाना अभी बाकी है।